ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
किस्म दी हमदो सना। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन नू साडे वास्ते बछौना बनाया और आसमान नू छत बनाया। दुनिया कायनात दे अंदर अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने बेशुमार नेमतां दे नाल नवाजिया। ताके ए मेरे बंदे इस दुनिया दे अंदर मेरिया नेमतां नूं इस्तेमाल करके मेरे रब्बुल आलमीन दे शुक्रगुजार बंदे बन जान। क्यामत आला दिन होए मैं रब्बुल आलमीन इन्हां अपने बंदियां नूं इन्हां दी शुक्रगुजारी दी वजह दे नाल जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता कर देवां। दरूदो सलाम आकाए दो जहान इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया मोहसिन आजम रहबर आजम पीर तरीकत रहबर शरीयत मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी जाते अकदस दे बरादरा ने इस्लाम आज दे इस खुतबे दे अंदर जिस मौजू नूं मैं बयान करांगा वो है जिक्रुल्लाह अल्लाह दा जिक्र। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह मैनूं सही मानिया दे अंदर बयान करन दी और सुन सुना के सानूं अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दा जिक्र ए इबादत है और इबादत दा मेन बुनियाद ओ जिक्रुल्लाह अल्लाह दा जिक्र है। इबादत दे अंदर जिक्र दा मुकाम मर्तबा जिक्रुल्लाह दा इस तरह ही है कि जिस तरह इंसान दे जिस्म दे अंदर रूह है इंसान दे अंदरों जिस्म दे अंदरों अगर रूह चली जाए तो ये जिस्म किसे काम दा नहीं ये जान किसे काम दी नहीं। आमाल दे अंदर अगर अल्लाह दा जिक्र खत्म हो जाए आमाल दे अंदर अल्लाह दा जिक्र ना होए उन्हां अमलां दा कोई फायदा नहीं उन्हां अमलां दे अंदर कोई जान ते कोई वक्त नहीं। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दे हां उस अमाल दा कोई मुकाम और मर्तबा नहीं। अल्लाह दा जिक्र सब तो बड़ा जिक्र है वला जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मशरक वालो मगरब वालो जमीन शिमाल वालो जनूब वालो मेरा जिक्र जिक्रुल्लाह अकबर मेरा जिक्र सब तो बड़ा है। आइए सहाबी रसूल बयान करते ने कि आमना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम
وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا عَنَاقَكُمْ आमना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा मेरे साथियो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुहानू ऐसा अमल ना दसा ऐसा खैर वाला अमल ना दसा जेड़ा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां पकीजा अमल है وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ تمہارے رب العالمین دے ہاں پاکیزہ عمل وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اور رب العالمین دے ہاں تہاڈے درجات دی بلندی دا سبب بنن والا عمل فرمایا آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے اے میرے صحابہ क्या ऐसे अमल दे बारे मैं खबर ना दवां जेड़ा अमल तुहाडे सोने और चांदी नू अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करन नालों में बेहतर अमल है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा क्या मैं तुहानू ऐसे अमल दे बारे ना दसां जेड़ा अमल तुसी मैदान दे अंदर कुफार दे नाल तुहाडा मुकाबला हो जाए और तुसी उना दियां गर्दना नू मारो फतजरिबु अनाकहुम उना नू कतल करो वयजरिबु अनाककुम और उन्दे बदले दे अंदर मैदान दे अंदर ओ तुहानू शहीद करन। आओ मेरे भाइयों आमना दे लाल अली सलातो वसलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबा ए मेरे साथियों ऐसे अमल दे बारे में मुहम्मद तुहानू खबर ना दवा जेड़ा अमल जिहाद नालों अफजल अमल है जेड़ा अमल इस दुनिया दी अंदर सोने चांदी नू खर्च करन नालों भी बेहतर अमल है। ओ अमल जेड़ा तुहाडे अमाल दी दराजात दी बुलंदी दा सबब बन जाण वाला अमल है। फरमाया नबी पाक अली सलातो व सलाम ने बिज़िकरिल्ला ओ अमल अल्लाह दा जिक्र है अल्लाह दी याद अल्लाह नू याद करना अल्लाह दा जिक्र करना। आ मेरे वीरा ए मेरे भाइया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमन बंदियां नू ईमान वालियां नू मुखातब होके फरमांदे ने बल्कि हुक्मन फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो ईमान दा दावा करने वाले हो आमनु ज़िक्रुल्लाह इस जमीन दे उत्ते रहंदे होया अल्लाह दा जिक्र आम कर दवो अल्लाह दा जिक्र ज्यादा तो ज्यादा करया करो जिक्रन कसीरा अल्लाह दा जिक्र ज्यादा करना है। अगर तुसी अपने घर दे अंदर हो अल्लाह दा जिक्र करदे रहो अगर तुसी बाजार दे अंदर हो अल्लाह दा जिक्र करदे रहो अगर तुसी अपने कारोबार दे अंदर मशगूल हो अल्लाह दा जिक्र करदे रहो अगर अमन दी हालत है अल्लाह दा जिक्र अगर जंग दी हालत है अल्लाह दा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जिक्रन कसी बहुत ज्यादा जिक्र करना है वह सब भी हो बुकरता हूं वह आसीरा कार दे अंदर अल्लाह दा जिक्र बाजार दे अंदर अल्लाह दा जिक्र कारोबार दे अंदर अल्लाह दा जिक्र अमन दे अंदर अल्लाह दा जिक्र जंग दे अंदर अल्लाह दा जिक्र
अपने नु मिलो ते अल्लाह दा जिक्र, बेगाने नु मिलो ते अल्लाह दा जिक्र। अल्लाह फरमांदे ने एथो तक की बस नहीं, बबुकरा तो असीला सुबह होइए तुहाडी अख खुली है, अख खुल दे नाल ही तुहाडी जबान चो जेड़ा पहला लफज अदा होए ते अल्लाह दे जिक्र वाला अल्फाज अदा होन। आओ मेरे भाइयो, आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया जिस वेले तुसी सुबह बेदार होवो, सुबह उठो तो ए दुआ पढ़िया करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। सारियां तारीफा अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते। अल्लाह दी जात वो जात जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू जिंदा कर दिता, सानू बेदार कर दिता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू दोबारा जिंदगी अता कर दिती मौत आ जान तो बाद, यानी ए सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनू मौत दे अल्फाज नाल जिक्र कीता है। आओ मेरे भाइयों, अज इस माशरे दे अंदर, मेरे इलाके दे अंदर किन्ने लोग जेड़े रात नूं सोंदे ने लेकिन सुबह अल्लाह कोल पहुंच चुके होंदे ने, रातों रात पता ही नहीं चलिया जान निकल गई, रूह परवाज कर गई, रात नूं सुते ने ते सुत्या सुत्या ही जान निकल गई। नबी पाक अली सलातो वसलाम ने ए दुआ सिखलाई, उन्दे अंदर ए अल्फाज बोले, अमातना मौत आ जान तो बाद, ऐ अल्लाह असीं तेरियां तारीफां करदे आं, ऐ अल्लाह तेरिया हमदा बयान कर दे, अख खुली है, अख खुलन दे नाल इस जबान चो जेड़ा पहला लफज अदा होए ते अल्लाह दे जिक्र वाला अदा होए, वा असीला। सारा दिन कम करदा रहा, मसरूफियत रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदे सुबह होए ते मेरे जिक्र दे नाल, रात पै गई है हुण लेटण दी वारी आ गई है, आराम दी वारी आ गई है। जिस वेले तू आराम करना है, जिस वेले तेरी अख बंद होण लगे ना बिस्तर ते लेट जावे, उस वेले भी तेरी इस जबान चो जेड़े आखरी अल्फाज अदा होण ओ मेरे जिक्र नाल अदा होण। फरमाया अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत वाहिया, ऐ अल्लाह असी तेरे नाम दे नाल ही फौत होण लगे आ, अमूत असी मरण लगे हाँ, वह आहिया और तेरे नाम दे नाल ही जिंदा होवांगे, तेरी मनशा दे मुताबिक ही जिंदा होवांगे। इत्थे भी अल्फाज नबी पाक अली सलातो वसलाम ने मौत वाले बोले ने, यानी जिस वेले इंसान सो जाता है सुते और मरे दे दरम्यान फर्क नहीं रह जाता, सुत्या मरिया आम साड़ी ए जबान दे अंदर एक बराबर है। जिस तरह मुर्दे नूं बंदा सुना नहीं सकदा, इस तरह बाद औकात बंदा सुता होए उन्दे कोले शोर हुंदा होए, उन्दे कोले गल्लां हुंदियां रहन, उन्नू पता ही नहीं चलदा। आओ मेरे भाइयो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदो मेरा जिक्र करना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हुक्म है। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं व अला जुनूबिहिम, ओ मेरे बरगजीदा बंदे ने, ओ मेरे पसंदीदा बंदे ने, मैं आसमाना वाली जात उन्हां दे नाल मुहब्बत करना वा, मैं रब्बुल आलमीन दियां मुहब्बत उन्हां लोगां दे नाल है जेड़े लोग मेरी जमीन ते चल के मेरा जिक्र करके मेरे मेरा खा के मेरा पी के मेरा पहन के मेरा जिक्र कर देने। और जिक्र भी किस तरह, फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामं व क़ुऊदं, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़िए, नमाज जारी हो गई, क़ियाम दी हालत दे अंदर ये बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम
मालिक यौम दीन। इन सूरत फातिहा पढ़ी और कुरान का जिक्र करना शुरू कर दिता, लंबिया सूरत पढ़निया शुरू कर दतिया। अल्लाह फरमाते नहीं ऐ मेरे बंदे मेरा क़याम दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा जिक्र करया कर। अल्लाह फरमाते ने वकूदा और बैठ के भी मेरा जिक्र करया कर। अल्लाह फरमाते ने मेरा लेट के भी जिक्र करया कर। इथों तक की बस नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले दे नाल हजरत आयशा रजी अल्लाह ना फरमांदियां ने कौन नबी यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी। नबी पाक अली सलातो वसलाम अल्लाह का जिक्र करते सी। जिस वेले नबी पाक अली सलातो वसलाम मेरे घर के अंदर होंदे अल्लाह का जिक्र करते, जिस वेले नबी पाक अली सलातो वसलाम लोगों नूं दीन दी दावत देन वास्ते बाजार के अंदर निकलते गली के अंदर निकलते अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा जिक्र कर दे। जिस वेले मस्जिद दे अंदर चले जांदे अल्लाह दे नबी अल्लाह दा जिक्र कर दे। अल्लाह दे नबी जिस वेले अपने सहाबा दे अंदर मौजूद हुंदे अपने साथियों दे अंदर तशरीफ फरमा हुंदे अल्लाह दा जिक्र कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह आमना दे लाल अली सलातो वसलाम अमन दे अंदर भी अल्लाह दा जिक्र कर दे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग दे अंदर भी अल्लाह दा जिक्र कर दे। हर लम्हे हर घड़ी अल्लाह दा जिक्र करने वाले आमना दे लाल अली सलातो वसलाम। आओ मेरे भाइयो अल्लाह दा कुरान फरमाया फइजा कुजियतिस सलातो फंतशिरो फिल अर्ज। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फइजा कुजियतिस सलातो फंतशिरो फिल अर्ज वबतगो मिन फज़लिल्लाह واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे बंदो जिस वेले जुमे वाला दिन होए जुमे दी नमाज अदा कर लवो। जुमे दी नमाज अदा करन तो बाद तुसी जमीन दे फैल जाया करो अपने कारोबार वास्ते हलाल रिजक दी तलाश वास्ते। अल्लाह दी जमीन दे फैल जाया करो हलाल रिजक तलाश करया करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ जिस वेले तुसी हलाल रिजक दी तलाश दे अंदर जमीन दे पैर जावो ते मेरे रब्बुल आलमीन दे जिक्र तो खाली नहीं लौटना। मेरे जिक्र मेरे रब्बुल आलमीन दे जिक्र तो गाफल नहीं होना। मेरे जिक्र तो दे अंदर सुस्ती नहीं करनी। कारोबार भी चलाना है तजारत भी करनी है रिजक हलाल भी तलाश करना है लेकिन नाल मेरा रब्बुल आलमीन दा जिक्र भी करना है। ऐ अल्लाह थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया करांगे। अल्लाह फरमांदे ने नहीं मेरे बंदे मेरी जमीन ते चल के मेरे आसमान दे थले रह के मेरे रब्बुल आलमीन दा रिज़्क खा के ते तू थोड़ा बहुता जिक्र करे। नहीं फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बहुत ज्यादा जिक्र करना है बहुत ज्यादा जिक्र करना है। अल्लाह जी असी जिक्र कर लेने असी तेरा बहुत ज्यादा जिक्र करांगे अल्लाह की देवेगा। अल्लाह फरमांदे ने लअल्लकुम तुफ्लिहून दुनिया के अंदर भी कामयाबियां नाल नवाजांगा। क़यामत वाला दिन होएगा मैं रब्बुल आलमीन जन्नत का टिकट तुहाडे हाथ के अंदर थमा के जन्नत के अंदर दाखिल कर देवांगा कामयाबियां अता कर देवांगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जेड़ा बंदा जहन्नम दियां होलनाकियां तो बच गया क़यामत वाले दिन दियां सख्तियां तो बच गया और वो बंदा अल्लाह दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिता। ये बंदा कामयाब हो गया ये बंदा फलाह पा गया। हैया अलस सलाह आओ लोगो नमाज की तरफ हैया अलल फलाह आओ लोगो फलाह की तरफ। इस फलाह तो मुराद की है ये कामयाबी है
और एक कामयाबी केड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी तुहानू अपनियां रहमतां दे नाल नवाजनगे, अपनियां बरकतां दे नाल नवाजनगे। और कल क्यामत वाला दिन होएगा, तुहानू क्यामत वाले दिन दीआं सख्तियां तों बचा के जन्नत दे हकदार बना देणगे। और इस जगह ते भी अल्लाह फरमांदे ने वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। इस जिक्र करन दी वजह दे नाल अल्लाह तुहानू फलाह दे देणगे, कामयाब कर देणगे। आओ इत्थों तक ही बस नहीं, सिर्फ अमन दी हालत दे अंदर नमाज पढ़ी ती तुसी अल्लाह दा जिक्र करो, जुमे दी नमाज अदा की ती है ते अल्लाह दा जिक्र करो। अल्लाह फरमांदे ने फास फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फियतन फसबुतु वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। ए मेरे बंदो, जो ईमान ले आए हो, ईमान दा दावा करन वाले हो, जिस वेले तुसी मेरे दुश्मना दे नाल मैदान दे उतर जाओ, मैदान दे अंदर मैदान नू बरपा कर लवो, आलमे कुफर ओ काफर जेड़े मुसलमाना नू तंग कर देने, ओ काफर जेड़े मुसलमाना दा कतले आम कर देने, ओ जालम अल्लाह दे दुश्मन, अल्लाह दे नबियां दे दुश्मन, अल्लाह दे नेक बंदियां दे दुश्मन, ईमान वालियां दे दुश्मन। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे मोमन बंदे हो, जिस वेले तुसी मेरा हुक्म मन के मैदान दे अंदर उतर जाओ, तलवारां चल दियां होन, गोलियां बरस दियां होन, और सहाबा और तुसी शहादतां मिल दियां होन, काफर जहन्नम वासल हुंदे होन, उस मौके ते भी तुहानू जिक्र दे अंदर सुस्ती करन दी गुंजाइश नहीं दित्ती। अल्लाह ने उस मैदान दे अंदर भी जिक्र तो गफलत बरतन दी इजाजत नहीं दित्ती। अल्लाह फरमांदे ने फसबूत हो, उस जगह ते भी साबत कदमी करनी है, साबत कदम रहना है। और फरमाया वज़कुरुल्लाह, उस जगह ते भी अल्लाह दा जिक्र करना है ते कसीरा बहुत ज्यादा जिक्र करना है, लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह तुहानू उस कमा उस मैदान दे अंदर उस मार्के दे अंदर भी कामयाब कर देंगे, और क्यामत वाले दिन भी कामयाब कर देंगे। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी जमीन ते रह के मेरा खा के मेरा पी के मेरा जिक्र करया करो, अगर तुसी मेरा जिक्र कर दे हो कल क्यामत वाला दिन होएगा मैं तुहानू अजरे अजीम दे नाल नवाजांगा। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा। जेड़े मोमन मर्द मोमन औरतां अल्लाह दा जिक्र कर देने, अल्लाह फरमांदे ने मैं रब्बुल आलमीन ने इना वास्ते मगफरत तैयार कर लिए, अदलहुम मगफिरतं व अजरन अजीमां। क्यामत आला दिन होएगा इना दे इस जिक्र दी वजह दे नाल मैं रब्बुल आलमीन इना अपने मोमन मर्दां नूं मोमन औरतां नूं मैं अजरे अजीम दे नाल नवाजांगा। क्यामत आला दिन होएगा, उस दिन किसे दरख्त दा साया नहीं होएगा, किसे कमरे दा साया मुयसर नहीं होएगा, उस दिन कोई एसी नहीं मिलेगा, उस दिन कोई दीवार नहीं मिलेगी, गर्मी बड़ी शिद्दत है। मैं किसे साए दे थल्ले, किसे दरख्त दे साए थल्ले, किसे दीवार दी ओट दे अंदर, किसे कमरे दे अंदर चले जावां, मैं उस दिन दी सख्ती तो बच जावां। क्यामत आला दिन होएगा, सारी जमीन चटियल मैदान होएगी, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, लोग अपने पसीने दे अंदर डुब रहे होणगे, अपने जिस्मां चो निकल निकल के पसीना उनके अंदर डुब रहे होणगे, अपने गुनाहां दी वजह दे नाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ मेरे बंदो, उस दिन चंद खुश नसीब ऐसे भी होणगे जिन्हां नूं मैं रब्बुल आलमीन अपना साया नसीब फरमावांगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही लौ यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु।
अल्लाह अपना साया नसीब फरमाएंगे। इन्हां सत खुश नसीबा दे अंदर एक ओ भी आदमी होएगा वा राजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाजत ऐना, एक बंदा उन्हों टाइम मिल गया, फुर्सत मिल गई, टाइम मिल गया, इस टाइम दे अंदर, इस लम्हे दे अंदर, इस घड़ी दे अंदर, इन्हां पंजां दसां मिंटां दे अंदर, इस घंटे दे अंदर, इस दिन दी छुट्टी दे अंदर ये अल्लाह दा जिक्र करदा है। अल्लाह दा जिक्र करदिया होया कबर दियां होण नाकियां दे मंजर इन्दे सामने आ गए, क्यामत दे दिन दियां सख्तियां आ गईयां, उस दिन दे होण नाक मामलात इन्दे सामने आ गए, जहन्नम दियां सख्तियां इन्दे सामने आ गईयां, ते अल्लाह दा जिक्र कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे बंदे दे जिक्र करन दी वजह दे नाल कल क्यामत आला दिन होएगा मैं इन्हू अपना साया नसीब कर दवांगा। आओ मेरे भाईओ, आओ अल्लाह दा जिक्र करन वाले बन जावो। जेड़े बंदे इस दुनिया दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करदे ने, अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे मोमन बंदे ने, जेड़े जिक्र करदे ने ए मेरे महबूब तरीन बंदे ने, ए जेड़े जिक्र करदे ने। अजरन अजीम क़यामत आला दिन होएगा मैं इन्हां अपने बंदियां नूं अजरे अजीम दे नाल नवाज दवांगा। जेड़े अल्लाह दे बंदे अल्लाह दा जिक्र करदे ने, अल्लाह फरमांदे ने मेरे रब्बुल आलमीन दे जिम्मे आ कि इन्हां नूं कामयाबियां दे सर्टिफिकेट देना, इन्हां नूं जन्नत दे सर्टिफिकेट देना मेरे रब्बुल आलमीन दे जिम्मे आ। आओ अल्लाह फरमांदे ने फज़कुरुल्लाह फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इस दुनिया दे अंदर मुझे रब्बुल आलमीन नूं याद करोगे मुश्किल आ गई, अल्लाह दे दर छड के किसी और दर ते नहीं जाओगे, मेरे दर ते आओगे, मेरे कोलो मंगोगे, मैं रब्बुल आलमीन तुहाडी फरियाद जरूर सुनागा। अज असी कहने साडियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां, अल्लाह साडी सुनदा नहीं ते फरां फरां दी मोड़दा नहीं। नहीं मेरे मोहतरम भाईओ, इस दुनिया दे अंदर हर बंदे दी गल अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन और दे भी रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ुकात जेड़ी चीज दा बंदा सवाल करदा अल्लाह उस सवाली नू फौरन उंदी ओ चीज मंगन वाली फौरन अता कर देंदे ने। अगर अता ना करन उस दुआ दे बलबोते आने वाले वक्त दे अंदर जेड़ी उंदे ते इक मुश्किल आ रही सी, उंदे ते परेशानी आ रही सी, उंदे ते जेड़ी आफत आ रही सी, अल्लाह उस दिवा दुआ दी वजह दे नाल उस सवाल दी वजह दे नाल उस अजमैश नू टाल देंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने अगर वो अजमैश भी ना टले और बंदे दी दुआ भी वो कहंदा मेरी पूरी नहीं होई मुराद, अल्लाह फरमांदे ने कल क्यामत आला दिन होएगा मैं रब्बुल आलमीन उस दुआ दी वजह दे नाल इन्नू नेकियां अता कर दवांगा और इंदे नामा अमाल दे अंदर नेकियां वध जाणगियां जिंदी वजह दे नाल इंदा जन्नत दे अंदर जाना मुमकिन बन जाएगा। इन्नू उन्हां नेकियां दी वजह दे नाल उस दुआ दी वजह दे नाल जन्नत दा दाखला मिल जाएगा। आओ मेरे भाईओ, जेड़े बंदे इस दुनिया दे अंदर अल्लाह दा जिक्र नहीं करदे ओ लोग बेईमान ने, ओ लोग खबीस ने, ओ लोग मुशरक ने, ओ लोग जहन्नमी ने, ओ लोग अग वाले ने, ओ अल्लाह दे नाफरमान ने, ओ अल्लाह दे दुश्मन ने, और अल्लाह दी जमीन ते रह के अल्लाह दा खा के अल्लाह दा जिक्र नहीं करदे ए जालम बंदे ने। और जालमां दा क्यामत आला दिन होएगा इन्हां दा टिकाणा जहन्नम होएगी। आओ हुण दूसरी गल सुनो, जेड़े लोग जिक्र करदे ने लेकिन बहुत थोड़ा जिक्र करदे ने, अल्लाह फरमांदे ने ए मुनाफिक बंदे ने, जेड़ा जिक्र ते करदे ने लेकिन थोड़ा जिक्र करदे ने, ए नमाज़ां भी पढ़दे ने नमाज़ां दे अंदर थोड़ा जिक्र करदे ने, क्यामत आला दिन होएगा ए लोग जहन्नम दे अंदर चले जाणगे। हर बंदे ने जेड़े जेड़े जुल्म कीते उन्हां दी सजा जहन्नम दे अंदर लवेगा और जहन्नमियां दी पीप उन्हां दा जेड़ा गंद होएगा वो खालियां दी शक्ल दे अंदर समझ लवो, ये खालियां दी शक्ल दे अंदर नहरां दी शक्ल दे अंदर वो थल्ले चला जाएगा और सब तो थल्ले हिस्से दे अंदर मुनाफक लोग होणगे और ये सारे जहन्नमियां दा गंद खाणगे ये मुनाफक लोग। और जेड़ा
نال اللہ دا ذکر تھوڑا کردا ہے اللہ فرماندے نے اے منافق لوگ نے ان المنافقین یخادعون اللہ اے منافق بندے اللہ نو دھوکا دندے نے واہ واہ خادعون واذا قاموا الى الصلاه اور اے منافق بندے حالانکہ اپنے آپ نو دھوکا دے رہے نے جس ویلے نماز واسطے کھڑے ہوندے نے نماز واسطے آندے نے اے ٹائم بھی کٹدے نے مسجد دے اندر آندے بھی نے فرمایا کام کسالا نماز پڑھدے نے تے سستی دی بنیاد تے سست رویے دے نال انہاں نوں نہیں پتا میں کتھے کھڑا واں تے میں اپنی زبان چوں کی کہہ رہا واں ان دے خیالات کتے ہور نے اینوں پتہ ہی نہیں چلدا بعض اوقات انسان بھل جاندا ہے وہ اس تو علیحدہ گل ہے لیکن ہر نماز ٹائم جڑی بھی نماز پانچ وقت ہی پڑھنی اس نماز دے اندر ہی اینوں پتہ ہی نہیں میں کی پڑھ رہا واں اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے یراؤن الناس اے نماز بھی پڑھدا سستی دی بنیاد تے پھر ان دے دل دے اندر اے بھی گل ہے کہ لوگاں دے دکھلان واسطے کہ لوگاں دے اندر میری محبت بیٹھ جائے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے نماز تے پڑھدا ہے لیکن اس نماز دے اندر بہت کم ذکر کردا ہے تھوڑا ذکر کردا ہے اے تھوڑا ذکر کرن والے نو اللہ رب العالمین نے منافق آکیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے مسلم دے اندر اے روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گل ذرا دھیان دے نال سن لو اگر میرے اپنے اندر کسے بھائی دے اندر اے سستی ہے یا اس نو پتہ ہے کہ فلاں بندے دے اندر اے سستی موجود ہے اس حدیث اون تے فٹ آ رہی ہے تو میرا حق بندا ہے مسلمان ہون دے ناطے دے نال مومن واسطے آئینا ہے جس طرح بندہ اپنے شیشے دے سامنے اپنے چہرے دے داغ ویکھ لیندا ہے شیشہ اونوں دس دیندا ہے کہ تیرے چہرے دے اندر آ مسائل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مومن واسطے آئینا ہے اگر تواڈے مسلمان مومن بھائی دے اندر کوئی سستی کوئی کمی کوتاہی ویکھو نا تو اونوں علیحدہ بٹھا کے اونوں سمجھا دو اچھے انداز دے نال اچھے طریقے دے نال ہن حدیث سنو مسلم دی روایت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی فرمایا تل کا صلاۃ المنافقی یجلسو اے نماز منافق بندے دی نماز ہے بیٹھا رہندا ہے یرقبو شمسا سورج دا انتظار کردا ہے حتی اذا کانت بین کرن شیطان جس ویلے سورج شیطان دے دونوں سنگاں دے درمیان آ جاندا ہے کاما اے اپنے گھروں اپنی اس مجلس چوں اور اپنے اس کاروبار تو اٹھدا ہے فناکا رہا اربعن اے عصر دی نماز لیٹ کرن والا عین مغرب دے قریب جس ویلے سورج او شیطان دے دونوں سنگاں دے درمیان ہوندا ہے اے اس ویلے اٹھدا ہے فقاما اٹھدا ہے فناکا رہا اربعن چار ٹھونگے ماردا ہے لا یذکر اللہ انہاں چاراں رکتاں دے اندر اللہ دا ذکر نہیں کردا فیہا الا قلیلا مگر بہت تھوڑا سانو اس حدیث نو مد نظر رکھدے ہویا نا ساڈا اے معمول بن چکیا بعض بھائیاں دا یا سانو پتہ ہے جنہاں بھائیاں دا اے معمول ہے تو میرے بھائیو اے سانو سستی دور کرنی چاہیدی ہے اللہ کولوں دعا ہے اللہ سانو ہر لمحے ہر گھڑی اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اسی ذکر کریے اللہ دی ذات ساڈے تے راضی ہو جائے اور دنیا دیاں ازمائشاں پریشانیاں تو بچا کے قیامت دے دن دیاں سختیاں تو بچا کے اللہ اس ذکر دی وجہ دے نال جنت الفردوس دے اندر اکٹھیاں کر دے وما علیہ الا البلاغ المبین